नमो संस्कृताय। आज की कक्षा में हम लोग जो है षष्ठी की संस्कृत पाठ पुस्तक रुचिरा के तृतीय पाठ शब्द परिचय भाग तीन को पढ़ेंगे। शब्द परिचय भाग तीन जो है, इससे पूर्व हमने शब्द परिचय भाग एक और शब्द परिचय भाग दो का अध्ययन कर चुके हैं हम लोग। चूँकि शब्द परिचय जो भाग एक था उसमें पुंलिंग सर्वनाम शब्द का प्रयोग पड़ा था, जिसमें एसह एतौ एते अर्थात यह ये दोनों ये सब और सह तौ ते अर्थात वह वे दोनों वे सब और कह किम शब्द के रूप हैं ये कह कौ के, इनका अध्ययन किया था भाग एक में। और उसके बाद में स्त्रीलिंग अर्थात जो शब्द परिचय भाग दो पढ़ा था उसमें स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पढ़ा था, जिसमें स्त्रीलिंग रूपों के साथ सा यानी वह के लिए सा ते ताह और यह के लिए एषा एते एताह और किम अर्थात सर्व प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए का के कह का प्रयोग पढ़ा था। अब हम जो है तृतीय पाठ शब्द परिचय भाग तीन में नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पढ़ेंगे। नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्दों का रूप पढ़ेंगे तो इसमें जो है जिस तरीके से इसमें स्त्रीलिंग में वह यह और कौन इनका रूप पढ़ा उसमें भी यही पुंलिंग में भी यही पढ़े थे। इसी तरीके से वह के लिए हम तद शब्द रूप तद या फिर तत् शब्द रूप होता है, यह शब्द रूप है और इसके जो शब्द रूप प्रथमा विभक्ति में रहते हैं वो होता है सह सॉरी, चूँकि नपुंसक लिंग है और नपुंसक लिंग में मूल रूप से ही रूप चलते हैं, जैसे तत् यानी तत् से चलेंगे तत् ते तानी तत् ते तानी अर्थात एक वचन में वह के लिए तत् वे दो हैं तो ते और तानी जो है बहुवचन में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार यह के लिए एतद या फिर एतत ये शब्द रूप प्रयोग होता है नपुंसक के लिए, तो इनके भी जो है मूल रूप से ही चलेंगे अर्थात एतत एतत एते एतानि। नपुंसक लिंग में रूप जो है मूल शब्द रूप से ही चलते हैं, जैसे तत है तो तत ते तानि एतत है तो एतत एते एतानि अर्थात ये प्रथम पुरुष एकवचन द्विवचन बहुवचन ये भी एकवचन द्विवचन बहुवचन। अब देखिए इसके रूप और इसके रूप में कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। देखिए तत है तो इसके आगे ए लग गया तो एतत, ते के आगे ए लग गया तो एते और तान के आगे ए लगा दिया तो एतानि, तो इस तरीके से ये रूप बने। तो इसी प्रकार से किम शब्द के रूप किम का अर्थ होता है क्या, इसके रूप चलाते हैं तो इसके भी मूल रूप से ही चलेंगे, जैसे पुंलिंग के कह कऊ के चले थे स्त्रीलिंग में का के कह रहा था इस, लेकिन यहाँ पर जो है किम के कानी शब्द का प्रयोग होगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है और ये देखिए एकवचन द्विवचन बहुवचन एकवचन द्विवचन बहुवचन एकवचन द्विवचन बहुवचन। अब पाठ प्रारंभ करते हैं तो इसमें
किया गया है कि एतत किम, एतत किम, देखिए एतत शब्द का प्रयोग किया गया है, तो एतत अर्थात एतत जो शब्द है वो देखिए एकवचन में है, एतत एतत और फिर किम, ये भी एकवचन का देखिए, जो बिल्कुल जिस वचन का होगा उसी वचन में प्रयोग किया जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम और सर्वनाम जो शब्द हैं एक ही वचन के होंगे दोनों, तो एतत किम, यह क्या है, एतत खनित्रम, अर्थात वो एक चीज़ और समझ लो, ये जो तत है वो दूर के लिए और जो एतत का प्रयोग है वो पास के लिए प्रयोग करेंगे, जैसे दिस और डेट का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार इसमें भी है, तो एतत किम, यह क्या है, एतत खनित्रम अस्ति, एतत मतलब यह, खनित्रम अर्थात कुदाल जिसे फावड़ा भी कहते हैं, अस्ति मतलब है, यहाँ पे देखिए एतत, एतत चूँकि एक वचन का है और ये भी एक किम शब्द जो सर्वनाम शब्द था वो प्रश्नवाचक सर्वनाम था वो भी एक वचन का है, और एतत उसके बाद में दिया है एतत खनित्रम अस्ति, और देखिए अस्ति भी एक वचन का ही है, एक वचनम का है, अस्ति एक वचनम, तो एतत खनित्रम अस्ति, एतत खनित्रम अस्ति, यह खनित्र अर्थात कुदाल है, श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका यहाँ पे श्रमिका दिया है, मजदूरनी जो है, खनित्रम कुदाल चालयति चलाती है, और देखिए श्रमिका एक वचन का है इसलिए चालयति वो भी एक वचन का, एक वचन की क्रिया प्रयोग की गई है श्रमिका के साथ में, यदि श्रमिके होता, श्रमिका का श्रमिके होता तो चालयता हो जाता, यदि श्रमिका विसर्ग डंडा यहाँ पे विसर्ग भी होते साथ में तो चालयंती का प्रयोग होता, तो श्रमिका खनित्रम चालयति, श्रमिका जो है मजदूरनी है वो कुदाल चलाती है। फिर दूसरा चित्र एक विश्राम गृह बना है, उसके ऊपर लिखा हुआ है विश्राम गृहम, तो फिर उसके लिए ये चूँकि दूर दूर बना है, दूर के लिए संकेत है, इसलिए तत् तत् शब्द का प्रयोग किया गया है, तत् किम, वह क्या है, तत् का अर्थ वह क्या है, तत् विश्राम गृहम अस्ति, तत् मतलब वह है, विश्राम गृहम विश्राम गृह, अस्ति माने है अर्थात वह विश्राम गृह है, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, किम क्या, अत्र अत्र जो दिया है वो एक अव्यय शब्द है, अत्र यहाँ, भित्तिकम दीवार, भित्तिकम का अर्थ होता है दीवार, अस्ति मतलब है, क्या यहाँ भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है, अत्र भित्तिकम न अस्ति, अत्र माने यहाँ, भित्तिकम मतलब दीवार, न अस्ति नहीं है, यहाँ पे देखिए भित्तिकम एक वचन का है इसलिए यहाँ पर अस्ति का प्रयोग किया गया है, एक वचन की ही क्रिया है इसमें, तो अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। फिर तीसरा चित्र एक सुनार का बना हुआ है, तो लिखा है एते के, एते के, यहाँ पे देखिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है, एते के, यहाँ पे सुनार की तरफ संकेत नहीं है, यहाँ पे जो सुनार अंगूठी बना रहा है तो अंगूठियों की तरफ संकेत है, तो एते के, एते यहाँ पे द्विवचन का रूप है, तो एते के ये दो क्या हैं, देखिए यहाँ पे एते है और प्रश्नवाचक सर्वनाम भी के, अर्थात एते के ये दो क्या हैं, तो एते अंगुलिय के स्तः, यहाँ पे देखिए अंगुली के दो हैं इसलिए स्तः, यहाँ पे देखिए स्तः द्विवचन का प्रयोग किया गया है, अंगुली के अर्थात दो अंगूठी हैं इसलिए स्तः द्विवचन का प्रयोग किया गया है, तो एते अंगुली के स्तः ये दो अंगूठियाँ हैं, ये दो अंगूठियाँ हैं, यहाँ पे अंगुली के बना है, यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द न होके ये नपुंसक लिंग शब्द है, इसका एक वचन में अंगुलीय कम बनेगा, अंगुलीय कम, और द्विवचन में अंगुलीय के बना है और बहुवचन में अंगुलीय कानी इस तरीके से बनेगा, तो इस तरह हैं सुवर्णकार अंगुलीय के रचयति, सुवर्णकार अर्थात सुनार जो है, सुनार अंगुलीय के अर्थात दो अंगूठियाँ रचयति बनाता है, ये जो रचित क्रिया बनी है वो लगी है जो सुवर्णकार अर्थात चूँकि वो एक वचन का है सुवर्णकार इसलिए उसके साथ रचयति एक वचन की ही क्रिया प्रयोग की गई है, यहाँ पे रचयति यहाँ क्या बनेगा रचयति, क्या क्रिया बनेगी रचयति, यहाँ बनेगा रचयतः रचयंती रचयंती, चूँकि यहाँ सुवर्णकार जो है वो एक है इसलिए रचयति आया है, सुवर्णकार अंगुलिय के रचयति, सुवर्णकार अर्थात सुनार अंगुलिय के रचयति
अर्थात दो अंगूठियाँ बनाता है। फिर चौथा चित्र है, चौथे में दिया गया है ते के। अब देखिए यहाँ पे ते के दूर के लिए संकेत हो रहा है, इसलिए ते अर्थात वेदो के प्रश्नवाचक सर्वनाम द्विवचन का ही प्रयोग होगा। ते के वेदो क्या हैं। फिर दिया ते बस याने स्तः, ते बस याने स्तः, वे दो बसें हैं। यहाँ पे बस याने चूँकि दो हैं और सर्वनाम शब्द वो भी द्विवचन का है, बस याने भी द्विवचन का है, बस यानम, बस याने, बस यानानी इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे बस याने जो है वो द्विवचन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे देखिए बस यानम एक वचन में बस यानम बनता है, द्विवचन में बस याने और बहुवचन में बस यानानी, बस यानानी बनेगा अर्थात बस यानम, बस याने, बस यानानी। थोड़ी देर के लिए ये समझते हैं हम कि बस याने, हमने पहले बताया था कि यदि ए अंत में लगा हो तो वो सप्तमी विभक्ति एक वचन अर्थात अधिकरण कारक का रूप हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बस यानम का बस याने बनता है, यानी कि स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में द्विवचन अर्थात प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में भी एक ही मात्रा का प्रयोग होता है। अर्थात बस याने यहाँ पर सप्तमी का रूप ना होकर के यहाँ पर प्रथमा विभक्ति द्विवचन और द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप माना जाएगा। यहाँ पे चूँकि प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप है, ये बस याने अर्थात दो बसे, स्तः अर्थात हैं, यहाँ पे स्तः द्विवचन का है इसलिए स्तः का प्रयोग हुआ है। देखिए स्तः दो बसे हैं इसलिए ते बस याने स्तः, वे दो बसे हैं। फिर लिखा है ते बस याने, ते बस याने कुत्र गच्छतः, ते मन वे बस याने कुत्र गच्छतः। अब यहाँ पे देखिए बस याने बस यान में नहीं होगा, यहाँ पे सप्तमी का रूप नहीं है बस याने, बस याने अर्थात बस यान में, ये सप्तमी में भी बस याने ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर ते बस याने अर्थात वे बसें, वे दोनों बसें, यहाँ पे ते बस याने दिया है अर्थात ते रूप यहाँ का है, बस यानी ये है, तो इसलिए ते बस याने अर्थात वे दोनों बसें कुत्र गच्छतः, कुत्र मतलब कहाँ, गच्छतः जाती हैं। यहाँ पे देखिए दो हैं इसीलिए गच्छतः का प्रयोग हुआ है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, यहाँ पे द्विवचन की क्रिया प्रयोग हुई है। तो यहाँ पर ये जो दो बसें दी गई हैं तो दो बसों की तरफ संकेत कर रहा है, ना कि बस में इसका प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे। तो ते बस याने कुत्र गच्छतः, वे दोनों बसें कुत्र कहाँ गच्छतः जाती हैं। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे रेल स्थानकम अर्थात रेलवे स्टेशन स्टेशन पर जाती हैं, गच्छतः गच्छतः मतलब जाती हैं। ते शब्द चूँकि द्विवचन का है तो क्रिया भी गच्छतः जो है वो द्विवचन की लगी है। ते रेल स्थानकम गच्छतः, वे रेल अर्थात स्टेशन पर जाती हैं। उसके बाद दिया है एतानि कानि। अब देखिए यहाँ पे एतानि कानि, यहाँ पे देखिए एतानि कानि पास के लिए है, इसलिए पास के लिए एतानि शब्द का प्रयोग किया गया है। एतानि कानि देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम भी बहुवचन का है और सर्वनाम शब्द भी बहुवचन का है, तो एतानि कानि ये सब क्या हैं। तो एतानि करवस्त्राणि सन्ति, एतानि मतलब ये करवस्त्राणि, करवस्त्रम, करवस्त्रे, करवस्त्राणि इस तरीके से रूप बनेगा, बहुवचन का रूप है ये करवस्त्राणि, क्योंकि यहाँ पे जो सर्वनाम है वो बहुवचन का है, तो इसलिए जो संज्ञा शब्द होगा वो भी बहुवचन का ही प्रयोग होगा। करवस्त्राणि एतानि करवस्त्राणि, ये रूमाल यानी करवस्त्राणि मतलब रूमाल, संति बने हैं ये रूमाल हैं। किम एतानि पुराणानि, क्या ये एतानि जो दिया है एतानि अर्थात ये पुराणानि पुराने हैं, न एतानि तु नूतनानि, नहीं ये तो नए हैं। यहाँ पे देखिए नूतनानि और पुराणानि जो हैं वो करवस्त्राणि के विशेषण शब्द हैं, और जो लिंग जो विभक्ति और जो वचन विशेष्य में होती है वही लिंग वही वचन वही विभक्ति जो है वो विशेषण में होती है, इसीलिए यहाँ पर करवस्त्राणि के अनुसार यहाँ पर नूतनानि और पुराणानि ये सब का प्रयोग किया गया है बहुवचन का। तो करवस्त्राणि संति एतानि करवस्त्राणि संति, ये रूमाल हैं। यहाँ पे देखिए करवस्त्राणि बहुत सारे हैं इसलिए संति क्रिया का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है संति। और इसके बाद दिया है किम एतानि पुराणानि,
क्या ये पुराने हैं? न, नहीं, एतानि तु नूतनानि, नहीं, ये तो नए हैं। फिर अंत में दिया है तानि कानि, अब देखिए यहाँ पे तानि जो दूर के लिए संकेत कर रहा है, इसलिए तानि अर्थात वे, यहाँ पे वे हो जाएगा, वह है, तो वे सब कह सकते हो, केवल वे का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन द्विवचन के लिए हमें दोनों शब्द का प्रयोग करना जरूरी होता है, अर्थात वे, अर्थात तानि कानि, वे क्या हैं, ये भी बहुवचन की क्रिया है और यहाँ सब प्रश्नवाचक भी बहुवचन का प्रयोग किया जा रहा है। तानि कानि, वे सब क्या हैं? तो तानि कदली फलानि संति, तानि अर्थात वे, कदली फलानि अर्थात केले, संति हैं, यहाँ पे भी देखिए कदली फलानि चूँकि बहुवचन का है इसलिए संति का प्रयोग भी बहुवचन में किया गया है। तानि कदली फलानि संति, वे कदली फल हैं। किम तानि मधुराणि, क्या वे मधुराणि अर्थात मधुर हैं? यहाँ पे देखिए मधुराणि जो है वो कदली फलन का विशेषण शब्द है, और विशेषण शब्द जो विशेष है कदली फल है, और कदली फल में चूँकि बहुवचन है इसीलिए मधुराणि में भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। तो किम तानि मधुराणि, क्या वे मधुर हैं? आम, हाँ, तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ वे मधुर और पोषक हैं। तो देखिए पोषक और मधुर ये दोनों बहुवचन में प्रयोग किए गए हैं, क्योंकि कदली फल बहुवचन में है प्रयोग हो रहा है इसका, इसलिए मधुराणि पोषकाणि का भी प्रयोग बहुवचन का ही प्रयोग हुआ है यहाँ पे। तो आम, हाँ, तानि मधुराणि पोषकाणि च, हाँ वे मधुर और पोषक हैं।